स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र निवृत्ति खंडागड़े जी। कहाँ के हैं आप? आई एम इनहैबिटेंट ऑफ पूना। पूना से? एंड देवदत्त गोपालराव आनगर, ही इज माई बिलव्ड टीचर इन हु टुक मी इन दिस फील्ड। ओके। एंड गेव द बेस्ट हॉबी एंड आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन एंशियंट एंड मेडाइवल कॉइन्स। ओके। सातवाना इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई हैव वेरी गुड सब्जेक्ट सातवाना कॉइन। आई एम गोइंग टू डिस्प्ले योर ऑनर सम ऑफ कॉइन्स, बट द मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन्स हाउ एवर आई डिड नॉट ब्रिंग हियर। वेरी नाइस कलेक्शन। आपका ये कार्ड है क्या? मेरा कार्ड। और ये आपका नंबर? मेरा नंबर नहीं। नंबर दो नहीं यार, नंबर मैं उठाता नहीं। देखो अभी भी फ़ोन बज रहा है। अभी मैं आपसे बात करूं कि नंबर उठाऊं? नहीं नहीं, मैं आप 100 बार फ़ोन करेंगे एक बार लगेगा। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये आपके लिए, किसी और को मत देना। नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस। नाम भी देखिए। नाम तो मेरा पता ही है ना आपको? फिर आप इधर देख रहे हो, सब फोटो खींच लेंगे। सबको पता पड़ गया। मैंने तो नंबर वीडियो में दे रखा है, जिसने भी सारे वीडियो देखे हैं उसको नंबर मिल ही जाएगा। सर है वीडियो में, आज भी है वीडियो में, है आज भी है। सर, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से के राजू जी। जी, 800 किलोमीटर की दूरी बिना रिजर्वेशन के आपसे मिलने सिर्फ आया हूँ। इतना प्यार, इतना प्यार। बस मेरे आप गुरु मान लीजिए कि मैं 15-16 साल से मैं केवल जमा कर रहा था, उसके एक्चुअल जो है आपने उसके राह दिखाया मेरे को। जी जी। मैं एक्चुअली सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन शौके तौर पे कर रहा था, लेकिन पता चला कि उसको कैसे कलेक्शन करना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये आपसे ज्ञान मिला। एक आप मेरे गुरु के समान है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए इतने प्यार के साथ। एक दो बार आपसे कमेंट भी किया था सर, ये मेरे आपने बताया सर, एल इंसर्ट वाला जी, नॉट वैल्यूएबल है करके 2012 का, विदाउट रुपी वाला। मेरे पास सर पी वाला है। नहीं सर, तो पी वाला कॉमन है क्या सर? एल वाला। मैं एक्चुअली सर एल्बम इसलिए नहीं लाया कि मैं रिएक्शन नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ऐसी आपसे सिर्फ मिलने आ गया। ठीक है, इसी बहाने आपके दर्शन तो हुए मुझे। नहीं नहीं सर, आपके दर्शन हुए मेरे को, मेरे अब आ गए। थैंक यू सर। हाँ सर, आपका परिचय? रमेश पुरबिया। कहाँ से? फिलहाल स्टेट तो गुजरात है, लेकिन फिलहाल हूँ मुंबई। अच्छा। एंड आई एम एन ऑटो, ऑर्डिनरी ऑटोमैन। ओके। वट एवर आई गेट इट आई एम कलेक्शन। दिखाइए। और ये दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये तुला हाँ। राशि है मेरी और ये 1966 बर्थ डेट या। अच्छा, ये बाकी तो आपकी 2000। अंदर जो है एग्जीबिशन में जी, एक नोट मिलता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला होता है, 100 रुपीज़ के आसपास मिलेगा जी। आपको एक उस पे कार्ड पे हैप्पी बर्थडे या बर्थ डेट ऐसा लिख के देंगे। हाँ। वो बिल्कुल UNC नोट, 10 रुपये का एक, शायद 100 के आसपास दे रहे होंगे। ओके। आप वो ले लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी उसमें, जो आपकी तारीख है, जो महीना है। अच्छा, जो सर वो बताना पड़ेगा, वो बताएंगे आपको, वो नोट निकाल के देंगे एक। अच्छा, ये खाली ईयर है इसलिए? हाँ, ये खाली ईयर है। ईयर है, हाँ, उसमें तो सब आ जाएगा। सब आ जाएगा ना। और उसको आप फ्रेम करा के लगाइए घर में, अच्छा लगेगा। ठीक है, जो आपने बताया वही कलेक्शन किया है मैंने, बाकी कुछ कचरा जमा नहीं। कचरा जमा नहीं। और सर मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले किसी वीडियो में मेरे से एक गलत शब्द निकल गया है, और मुझे आज उस चीज़ का बहुत 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 अफसोस है कि मैंने पिछले एक वीडियो में कोई बंदे खड़े थे तो मैं कलेक्शन चेक कर रहा था, तो इतने में किसी ने पीछे से मेरे को आवाज़ लगाई
कि यार ये सब तो कचरा है, तो मेरे मुँह से भी निकल गया था कि इस तरह का कचरा इकट्ठा मत कीजिए। तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आखिर तो वो लक्ष्मी है, धन है, तो धन को अपन कचरा कैसे बोल सकते। मैं एक बार फिर से दिल से माफ़ी चाहता हूँ, वाकई मेरे से वो निकल गया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज के बाद मैं ध्यान रखूँगा। सॉरी सर, लेकिन आपके बोलने के बाद मैंने भी निकाल दिया मुँह से। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था ना पिछली एग्जीबिशन में, ऐसे ही हुआ था, किसी ने पीछे से बोल दिया। अच्छा, तो मेरे मुँह से भी निकल गया, लेकिन जब मैंने खुद वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत पछता हुआ कि मेरे मुंह से ऐसा शब्द कैसे निकल गया। क्योंकि आखिर तो ये धन है ना, धन लक्ष्मी है ना, भले वो सिक्का वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन जो है वो है, बना है वो तो है ना। आज अपन इतने सारे लोग इतना सब कुछ करते हैं, कहते हैं पेट के लिए, लेकिन अगर सिर्फ पेट के लिए करना है तो कई गुरुद्वारे हैं जहाँ पे आप चले जाओ तो आपको पेट भर के खाना मिलता है, और भी कई मंदिर मस्जिद होंगे जहाँ पे खाना मिलता है, लेकिन ये सब पेट के लिए एक्चुअल में नहीं कर रहे, अपन लक्ष्मी के लिए ही कर रहे हैं। जो भी करते हैं धन के लिए करते हैं, तो अपन उसको कचरा नहीं बोल सकते ना। नहीं सर, तो एक बार फिर से सॉरी है ना। दूसरे नंबर पर सर, ये नोट की कितनी कीमत है? ये नोट एक बंदे कोई जा रहे थे और मैंने किसी को ऑटोग्राफ करके दिया, और मेरे पास वो आखिरी नोट था। जैसे ये नोट अभी ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं नहीं दे पाऊँगा। सही बात। तो जो आखिरी नोट था उस नोट के उसने 20,000 रुपये लगाए थे, लेकिन उस बंदे ने नहीं दिया, बोले मेरे लिए अनमोल है, मैं इसको 1,00,000 या 1,00,000 में भी नहीं दूंगा। सही बात। तो अब ये आपकी नज़र है कि आप उसको 1 रुपया समझें। नहीं नहीं, सही बात है, या अनमोल समझें। सर इसका तो आपने रेट बताया था, 2004 के सिक्के, ये 5 के जी, उसमें मिंट भी बताया था सर। हाँ, मिंट भी बताया था। कौन सा मिंट बताया था? वो हैदराबाद वाले बताए थे। तो आपका कौन सा है? अभी वो तो मेरी भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको बताया। क्यों नहीं समझ में आ रहा सर? मैं वीडियो देख लेते, बाद में भूल जाते हैं। मैंने बताया, क्यों भूल जाते हैं? आप डायरी में नहीं, उसमें नोट कीजिए ना। ये बात, मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ना। स्क्रीनशॉट लिया, मेरी मेहनत हो रही ना। सही बात। मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ। आज देखिए, मैं इतनी दूर से गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, गाड़ी सामने खड़ी है, पीछे आपके सामने 400 किलोमीटर। वहाँ से मैं शाम को निकला 6:30 बजे, यहाँ 12:30 बजे, 1 बजे रात को पहुँचा हूँ। तो इतनी दूर से आया, वापस जाऊँगा, यहाँ खड़ा हूँ अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं मेरी उनको छोड़ के। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जी, देश का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। अपने देश की धरोहर है, संस्कृति है, इसको सजाएं, संवारें, संभालें, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी है। सही बात है ना। तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। ओके सर। डायरी में नोट कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, भूल जाए तो एक बार और देखिए। बात पूरा कंप्लीट कलेक्शन अगर किसी के पास होगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि 5 रुपये के सिक्के इतने निकले हैं, है ना, वो सारे सिक्के का एल्बम किसी के पास हो, मैं अभी का अभी खरीद लूँगा कलेक्शन। उसमें कुछ खासियत होना चाहिए, जैसे गांधी जी की सीरीज का पूरा कंप्लीट है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ। यहाँ स्टार नोट का है, तो ये स्टार नोट 1 रुपये से लेके सारे स्टार नोट है और सारों के नंबर सेम है। यहाँ जैसे मैं 13 नंबर, मेरे समाज में लक्की माना जाता है 13 नंबर, जो 13 एक ओंकार बनता है उससे। तो अगर आपके पास 13 नंबर की सीरीज हो, 1 से लेके 100 तक, 1000 तक, 2000 तक, वो मैं ले लूँगा आपसे। इस तरह का, हाँ, मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट। देखो अपन चिप्स का पैकेट लेते हैं ना, एक 10-20-25-30 रुपए का चिप्स का पैकेट भी आता है। पहले बड़े पैकेट आते थे, फैमिली पैक, फिर धीरे धीरे करके छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए। आज की तारीख में फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं तो 10-10 रुपए वाले 4 पैकेट आते हैं, 40 रुपए वाला 1 पैकेट नहीं आता। उसके पीछे कारण क्या है? जो चिप्स का पैकेट है उसमें जब आखिरी चिप्स आप खाते हो तब आपको संतुष्टि मिलती है। अगर आप उसको शेयर करके खाते हो तो ऐसा लगता है कि भाई ने ज़्यादा खा लिया या बहन ने ज़्यादा खा लिया। और अगर आखिरी चिप्स आपने खाई तो आपको वो 10 रुपए वाले पैकेट में जो संतुष्टि मिलती है ना, उतनी की उतनी संतुष्टि 5 रुपए वाले पैकेट में भी मिलेगी, और उतनी ही संतुष्टि 40 रुपए वाले पैकेट में मिलेगी। पर उससे बस ये है कि मेरे जैसा थोड़ा पेट बढ़ जाएगा आपका। तो पूर्णता का बहुत महत्व है ना। तो आपका कलेक्शन जब पूरा हो जाएगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खरीदने आएंगे आपके यहाँ, ख्याति फैलेगी ना आपकी कि आपके पास एक पूर्ण कलेक्शन है, तो लोग खुद आएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका, प्लीज अपना परिचय दीजिए। मैं श्याम मलिक भोपाल से हूँ जी, और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। करेंसीपीडिया ने मेरी काफ़ी कुछ बीमारी को कम कर दिया। शुक्रिया, शुक्रिया सर। अच्छा, और मैं सब व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि
कि करेंसी के बारे में तरह तरह के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, उन पर ध्यान बिल्कुल ना दें, वो आपके आपके सपने बनाते हैं और किसी दिन चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए चूजी बने, रीजनेबल बने और वही वीडियो देखें जो रीजनेबल हैं, जैसे हमारा करेंसीपीडिया चैनल। अगर आप केवल एक ही ये चैनल फॉलो करते हैं, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, ना कभी मिसगाइडेड होंगे, ना अपनी कमाई कभी डुबोएंगे और ना इस तरीके से जो अभी चिल्लर्स के संबंध में हुई थी बात वो इकट्ठा करेंगे। चूजी बनिए चैनल में भी और कॉइंस में भी, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, इतना कीमती आपने सुझाव दिया सब दर्शकों को भी, और जो आपने ये बातें बताई तो मैं आशा करता हूँ कि इन सबको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपका अनुभव तो जुड़ा हुआ है ही सही। बिल्कुल, मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहा हूँ, और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को तो नहीं कह सकता कि आपका ऑटोग्राफ दें, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ करेंसीपीडिया से ज़रूर निवेदन कर सकता हूँ कि मुझे एक ऑटोग्राफ दें। जरूर जरूर सर, मैं तो दे ही रहा हूँ सर। अच्छा मैं इस, अच्छा एक्चुअली क्या है कि ऑटोग्राफ में नोट पे तो दे नहीं सकता हूं। नहीं तो मैं जानता हूं उस बात को, स्लीव पे दे रहा हूं, स्लीव के ऊपर। आप कहेंगे तो मैं इस पे भी दे देता हूं, इस पे भी दे देता हूं जी, आपको दो ऑटोग्राफ देता हूं। थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। डाल दीजिए जी, कल मेरा बर्थडे है तो मैं 12 डाल दूं। 12 डाल दी आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काश ये बढ़ते हुए साल मेरे बचपन में या मेरे यौवन में जुड़ जाते, ये बुढ़ापे में जुड़ेंगे, इसलिए शतायु ना हूँ तो अच्छा है। गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं नहीं, आपका अनुभव है ना सर, इतना तो कहीं ना कहीं किसी के काम आएगा, देश के काम आएगा, लोगों के काम आएगा, समाज के काम आएगा। लोग मैंने कल से महसूस करा बहुत भटक रहे हैं जी, बहुत, और ऐसे सपने टूट रहे हैं कांच जैसे टूटता है, झूठे सपने जो टूट रहे हैं, सच्चे सपने नहीं टूटते, सच्चे नहीं, झूठे सपने। अगर वही है कि मतलब थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़े अच्छे लोगों के वीडियोस देखें, मैं तो कहता हूं किसी के देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके देखने, उनका ज्ञान पूरा हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू।